कौन है बैटमैन? आधे घंटे से फेल ही रहा हूँ, मरता ही नहीं है साला। जा जाता फंस जाता तू। अरे मैं उनको कंफ्यूज करने के लिए मरने की एक्टिंग कर रहा था। ओके देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के। सोच एक समझ एक दिल एक। दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म मैदान का पैड प्रीव्यू है। और दोस्तों इस फिल्म के रिलीज में अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के सामने रिलीज होने वाली सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां कल रिलीज होने वाली है। और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों की जो एडवांस बुकिंग है वो अभी तक कितने करोड़ की हो चुकी है। मैदान दोस्तों आज पैड प्रीव्यू में क्या कमाल कर रही है, और दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां का फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा ये इस वीडियो में हम जानेंगे वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी अजय देवगन और अक्षय कुमार की इन दोनों ही फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा इंतजार इन दोनों ही फिल्मों में किसका था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैदान एक बायोपिक ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन करने वाले हैं अमित शर्मा, और अमित शर्मा ने दोस्तों इससे पहले बधाई हो जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई है। बताते चले दोस्तों आपको कि बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन, प्रिया मणि और गजराज राव की इस फिल्म में आपको इमोशन, ड्रामा और एक वो गोल्डन एरा देखने को मिलने वाला है जो कि हम सभी ने अभी तक नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, एक हिस्टोरिकल मोमेंट के ऊपर बनाई गई एक बेहतरीन फिल्म है मैदान, जिसे कि सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म को दोस्तों आज ऑल ओवर इंडिया में पेड प्रीव्यूज के साथ रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों आज इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी अच्छा पिकअप पकड़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और आज के एडवांस के बारे में, तो दोस्तों बता दें आपको कि लगभग 180-200 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली मैदान के बेहतरीन विजुअल्स, बेहतरीन कहानी और एक आउटस्टैंडिंग स्टार कास्ट की वजह से इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में अच्छा बज बन चुका है। इस फिल्म के दोस्तों अभी तक 1,48,00,000 रुपए से ज्यादा के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुक माई शो और पेटीएम पर बेचे जा चुके हैं, जबकि दोस्तों आज शाम को 6 बजे से इस फिल्म के पेड प्रीव्यूज भी शुरू होने वाले हैं। ये फिल्म दोस्तों आज अपने पेड प्रीव्यूज में ही लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों कल के लिए इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो फिलहाल में 90,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी है। ये फिल्म दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में कल अपने पहले दिन पेड प्रीव्यूज को मिलाकर 12-13 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है, जो कि एक तरह से इस तरह की ड्रामा फिल्मों के लिए काफी अच्छी ओपनिंग है। बताते चले दोस्तों आपको कि सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान ऑलरेडी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही है और कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है, और अब दोस्तों उनकी एक और कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म मैदान भी बॉक्स ऑफिस पर इस साल की बिगेस्ट ग्रोसर बनने के लिए तैयार है। मुझे लगता है दोस्तों कि मैदान को अगर ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म भी 150-200 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लेगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अली अब्बास जफर, जिसने की सुल्तान, टाइगर जिंदा है और गुंडे जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई है, उसी के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां भी एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसमें आपको कॉमेडी, एक्शन और इमोशंस का तड़का देखने को मिलने वाला है। सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का बेहतरीन एक्शन, बेहतरीन विजुअल्स और एक शानदार कहानी यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी सुनने में आ रही है वो काफी तगड़ी है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में विलेन के तौर पर आपको काफी बेहतरीन एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आने वाले हैं, और दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग और उनके वॉइस मॉड्यूलेशन को सुनकर ही लग रहा है दोस्तों कि वो इस साल बॉलीवुड इतिहास के सबसे बड़े विलन बनने वाले हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 280-300 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें आपको पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा मानुषी छिल्लर और अलाया फर्नीचर वाला भी नजर आने वाली है। सोनाक्षी सिन्हा का भी दोस्तों फिल्म में हमें कैमियो रोल देखने को मिल सकता है। ये फिल्म दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में 3500 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जिसके कि नए टीजर को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, और इसके नए टीजर ने ही दोस्तों यहां पर इस फिल्म के लिए ऑडियंस के बीच में अच्छा बूस्ट किया है, क्योंकि दोस्तों आज इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 3,10,00,000 रुपए के आंकड़े को बुक माई शो और पेटीएम पर मिलाकर कर चुकी है, जो कि एक तरह से काफी अच्छे एडवांस है। साथ ही साथ दोस्तों ओवरसीज में इस फिल्म की जो एडवांस है वो भी 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि बड़े मियां छोटे मियां को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5,255
5,000 स्क्रीन्स मिलने वाली है और इन 5,200-5,500 स्क्रीन्स पर दोस्तों ये फिल्म कल अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 20 से 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 40 से 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों हम सभी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, लेकिन दोस्तों फिलहाल के ट्रेंड को देखकर लग रहा है दोस्तों कि ये फिल्म 20 से 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग अपने पहले दिन जरूर लेगी, लेकिन उसके बाद दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। ये फिल्म दोस्तों अपने 4 दिनों के वीकेंड में 100 करोड़ और अपने लाइफ टाइम में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली है और इस साल की वन ऑफ द टॉप ग्रोसर बनने वाली है। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फिर होगी फ्लॉप? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों से जुड़े बॉक्स ऑफिस अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।